उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिनों के दौरे पर कानपुर में हैं। आज उनके इस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम डायरेक्टरेट पवेलियन में बने डिजिटल गैलरी को बारीकी से जाना, जिसके बाद स्टेडियम मैनेजमेंट द्वारा वहां एवी के माध्यम से स्टेडियम के इतिहास को बताया गया। करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस ग्राउंड पर दिन आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राजनीति के ग्राउंड में अच्छी बैटिंग करने के साथ साथ उन्होंने नेट प्रैक्टिस कर रहे बच्चों के साथ भी क्रिकेट बैट से जौहर दिखाया। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि करीब 7 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने लिफ्ट लगवाने की मांग करी थी और नगर निगम और जलकल विभाग का बकाया भी करोड़ों रुपए में है, मीडिया के इन सभी सवालों से उन्होंने बचते हुए कहा कि जो भी है उसका निस्तारण किया जाएगा। कानपुर दौरे के दौरान ग्रीन पार्क स्टेडियम के विजिटर गैलरी को भी देखा, यहाँ के पार्क को भी देखा, यहाँ जो प्रैक्टिस के स्थान है उसे भी देखा और जो तमाम सारी योजनाएं यहाँ के सभी अधिकारियों ने विशेष तौर से, चाहे वो स्मार्ट सिटी से संबंधित हो चाहे खेल विभाग से संबंधित हो, सब लोगों ने जो सराहनीय प्रयास किया है, जितनी भी प्रशंसा किया जाएगा वह कम रहेगा और यह प्रयास निश्चित तौर से सबको मिलकर के करना चाहिए। वर्तमान में जो लोग हैं उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देना चाहिए। कल मैं देख रहा था यहाँ लाल इमली का बहुत अच्छा एक स्वरूप खड़ा करने का काम किया गया है। आज मैं यहाँ ग्रीन पार्क का देख रहा हूँ, इसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और कानपुर बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। नहीं, जो नहीं लगा होगा लग जाएगा। 7 साल है, 7 साल पूरे हो गए। नहीं, अगर कोई मुझे मालूम नहीं आप सवाल कर रहे हो, लेकिन असंभव सब संभव हो रहा है तो लिफ्ट लगना तो बहुत छोटी बात है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है नगर निगम और जलकल का जो है काफी पैसा बाकी है, तो वो नोटिस भी दिया गया, उस पर कार्रवाई। देखिए, ये नगर निगम हो, जलकल हो, कोई विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, कुछ कोई चीज वो निर्धारित शुल्क लेते हैं, नहीं जमा हुआ होगा तो नोटिस दिए होंगे, लेकिन उसका सब रास्ता निकल आएगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे।